हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कचौरी, जो सबको बहुत पसंद आती है। बड़े हो या छोटे हो, सभी को कचौरियाँ बहुत पसंद आती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक मैदा ले लेंगे कंटेनर में। अब उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें कलौंजी डाल देंगे थोड़ी सी, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। इसे हाथों में थोड़ा सा मसल कर डालेंगे, जिससे इसकी खुशबू और अच्छा आएगी। अब इसमें ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से हम इन्हें सॉफ्ट डो बनाना है इसका। हाथों से अच्छे से मसल मसल के इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हम इसका डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए डो तैयार है। अब चलिए स्टफिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। तेल हल्का गर्म हो जाए, अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता, और इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे। अब इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, इसे चलाते हुए इसे भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज हल्का भून चुकी है। अब इसमें हम मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे भी हल्का चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें बॉईल किए हुए आलू मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हल्का आलू को हम भून लेंगे। ये देखिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है ये। चलिए अब हम कचौरिया की तैयारी कर लेते हैं। एक लोई ले लेंगे, इसे बेल लेंगे हम। ये कचौरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें। चाय के साथ ही नाश्ते में बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए पूरी तैयार है। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। अब इसे चारों तरफ से फोल्ड करके इसका एक लोई बना लेंगे। तरह से इसे रोल करके ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा हटा देंगे और हाथों में इसे प्रेस करते हुए इसका गोल बना लेंगे।
ये देखिए मैंने सारी कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। अब फ्राई करते हैं इसे। कढ़ाई लेंगे गरम होने पे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गई है, अब इसमें हम एक एक करके सारी कचौरियाँ डालेंगे। इसे धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये एकदम क्रंची बने। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। इसे हल्का हल्का पलट के दोनों साइड से पका लेंगे। ये देखिए कचौड़ियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगी, और मेरे चैनल को लाइक करें। ये देखिए कितनी अच्छी स्वादिष्ट कचौरियाँ बनकर तैयार हैं।